अरे आबू गड़ा रे माथे उपना पर मारो हे बसायो लोयाना गढ़ो रात हो जी ऐसो सतवंती रूड़ो राजीवी मरुधर में हे दान रे धर्म रो नहीं पार हो जी ए झड़ जाए फुलड़ा ने रह जाए झड़ जाए फुलड़ा ने रह जाए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जोरदार पंक्ति हो। जड़ जाई फुलड़ा ने रह जाए वासिना जुगड़ा में हे बेला रे सत्यों रो अमर नाम तो हो जी जालौर जिले में जब सुंदागढ़ है, आप में से कई लोग गए होंगे। सुंदा पर्वत रे बहुत करीब एक गांव है और गांव रो नाम कस्बो है, उसका नाम है जसवंतपुरा। कई बरस पहला उस जगह का जो नाम हो उसको लोयाणागढ़ कहते थे। परमार वंश के राजा चंदन वहां पर राज करते थे। आज भी उन पहाड़ियों में वो किला, वो नगर पूरा आज भी खंडर के रूप में मौजूद है। कुछ लोग जाके आए, कुछ लोग गए हैं। तो उन पर्वतों में आज भी वो जो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं उसमें वो आज भी वो सब कुछ मौजूद है जो हजारों साल पहले था। सूर्यवंशी राजा चंदन और उनकी पत्नी नाम मलयागिरी। लेकिन सत्य और धर्म की राह पर चलते चलते राजा चंदन को बड़ी कीर्ति हो गई, बड़ो नाम हो गए। बीच में भाई हलचल है ये बंद करो साहब, क्योंकि हम जब भक्तमाल गाते हैं तो फिर बीच में हलचल नहीं, कई लोगों को सुनना भी नहीं आता। बोलने की तो बहुत दूर की बात होती है हमारे साथ, बोलना बहुत अलग बात है। सबसे बड़ी मुश्किल है तो कई लोग सुनना भी नहीं जानते कि सुनना भी कैसा है, क्या सुनना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं बहुत स्पष्ट हूं क्योंकि आदत में कुछ चीजें ऐसी कर ली, इसलिए मैं यहां पर हूं। मैं भी भावनाओं में बह जाता तो मैं यहां नहीं होता। सुन लीजिए, तो जो राजा चंदन है उसका जो कीर्ति, उसको तब जो उसको सत्य है वो इतना बढ़ गयो कि पूरी दुनिया में राजा चंदन की कीर्ति होगी। कहा जाता है कि राजा चंदन को अधिकार इंद्रासन पर हो गयो, इंद्र आसन भी राजा चंदन ने मिलने वाला है। लेकिन पृथ्वी का कुछ विधि विधान है, लेकिन भगवान राजा चंदन भी अंतिम इतनी कीर्ति रहे बाद में भी एक बार परीक्षा लेने की कोशिश की, जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में आया राजा चंदन ने द्वारे, बोले राजा थारो नाम सुने तू बड़ो सत्वादी आदमी है और तू थारे मुंडा में जो शब्द निकाल दे उनमें फिर वचन हार नहीं हुए ऐसा भी मैं सुने है, और थारे आंगने में आयोड़ो कोई आदमी खाली नहीं जावे वो भी मैं सुने हूं। हे राजा जो मैं थारे के नु दान मांगू वो तू दे सके थे। राजा चंदन क्यों बाबू जी आप पधारे हो, आप जो आदेश करो मारे जो भी लायक है मैं आपने तैयार हूं। बोले राजन राजा दान बड़ो है और दान सोच विचार कर तू हां बोल दे, क्योंकि हां बनने बाद में थने वो दान देना पड़ेगा। राजा चंदन बोले कि मैं क्षत्रिय रो बेटो हूं, मारो कुल ना ले जाऊं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे बाबजी आज तक मारे आंगने में आज तक यदि कोई कोई छोटो लगा बड़ो आदमी आयो मैं खाली ना भेजो, और आप तो संत हो, गुरु महाराज हो, आप तो भगवान हो, ऐसा भेग भगवान के रूप में आयो आपने खाली ना भेजो, अब आदेश करो। राजा चंदन ने जब इतनी बात करी तो भगवान जो है ब्राह्मण रूप में बोले राजा एक तो लोयाणागढ़ रो राज जो है वो तू मने दे वचन कर के राज आपरो, और राज री शर्त भी आ कि थारा जो पेरोड़ा कपड़ा है इन कपड़ों में तू और थारी पत्नी और थारा छह महीना और बालक की नगरी में छोड़कर चले जाओ। राजा चंदन बड़ा समझदार था, बोले गुरु महाराज आपकी बात बहुत ठीक है पर मैं गृहस्थी आदमी हूं, तो मारो ग्रस्त धर्म भी है, इतनो बड़ो फैसलो मारो अकेला रो फैसलो है तो मैं कर सकूं, लेकिन मारा जो छे छे बालक जो है छे छे महीनों रा उसके ऊपर उनकी मां का अधिकार है, तो
तो एक बार आप आदेश करो तो मैं ग्रस्त धर्म रूप पालन करूं, मैं अपनी पत्नी ने पूछ रहा हूं। राजा चंदन जब दिन रात रानीवास में गया तो रानी मलियागरी थी, वह बड़ी अचम्मा में पड़ गई कि दिन रात कभी राजा अपने रानीवास में नहीं आया, आज की कराया। बोले कविला महलों में की करा गया। राजा चंदन जब कवेला मेलों में गया तो रानी पूछ लियो कि आप कवेला दिन में की कराए, कचड़ी टेम मेल में की कराए, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। बोले एक ऐसो ब्राह्मण आयो है और वो ऐसो दान मांग रही हो। रानी मलियागिरी बोले राजा जो ऐसो दान मांग सके वो असाधारण आदमी है, वो भी सामान्य मनुष्य नहीं है, आप उसको सामान्य मत जानो। इतनो बड़ो दान मांगने वालों कोई न कोई कोई न कोई कोई बड़ो आदमी है, अपनी परीक्षा करनी चाहे आप तो हाँ भर दो, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। रानी मलियागिरी राजा चंदन और 6 महीनों रे वनवास हो गए हो। लोयाना गढ़ जो राज है वो छिपरा के तट पर है, छिपरा नदी रे तट तक है, और नदी ने पार कर कर राजा को दूसरी नगरी में जानो है। वचन कर राजा जब महलों निकलिया तो छिपरा नदी रे किनारे आया तो उफनती हुई नदी देखी। रानी ने कहो कि रानी ये जो 6 महीनों का बालक है इन्होंने मैं इन टावरों ने पहली पार छोड़, फिर वापस आऊं नदी पार कर और फिर मैं तने भी अपने साथ ले जाऊं। राजा चंदन जब नदी पार करी तो नदी जगा दी, राजा चंदन पार हो गया। एक वृक्ष के नीचे दोनों बालक जो एक छाबोली में बैठा और बैठा कर बेटा बैठ जो, ऐसा कर राजा चंदन जब नदी रे बीचों बीच वापस रानी मलियागिरी ने लेवण वास्ते आया, उसी समय नदी ने उफान भरी। भगवान आदेश दियो नदी ने कि उफान भरो, और किनारे पहुंचते पहुंचते राजा चंदन रानी मलियागिरी के सामने नदी में बह गया। रानी अपने पति ने नदी में बहतो देख, अपना पुत्र नीर सायर ने अगली कांठी देख, रानी मलियागिरी बेहोश होकर गिर गई। वो तो सुधबुद भूल गई। एक कुमार जी रो घर थो पहाड़े, कुमार जी आया कि रानी है, कुमार जी अपने घर ले गया। जब रानी ने होश आयो तो रानी ने कुमार जी बताया कि आप बिछड़ोड़ा जो है वह कभी नहीं मिलना, रानी आप हमारी बहन जैसी हो, इस घर में रहो और आप रो परोपकार है, इस घर में आपने काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपकी सेवा करनी चाहूं, आप ठहरे हो। कुछ समय बाद लक्की बिणजारो बाड़द ले उसी गांव में आयो। लक्की बिणजारा री नजर जो है वो कुमार रे घरे जो वह रानी थी उस पर बुरी पड़ गई। बोले कुमारणी तो है नहीं, कोई और है। लक्की बिणजारे बहानो बनायो कि मारे आज घर में जो मारो तंडो है कबीलो है उनमें रोटी बनाने वाली कोई लुगाई नहीं है, थारी आप पेन जो है भेज दे, रोटी बनाकर वापस पहुंचा दूला। छल और कपट के साथ में मलियागिरी ने बिणजारो ले गयो। रानी मलियागिरी जब रोटी बनाकर पुरसी उस बिणजारे रे बाप ने, तो बिणजारो रे बाप अंधो थो और वो रोटी खाई तो बिणजारे रे बाप उन लक्की बिणजारे ने बुलार के रोटी की नहीं आती है। बोले आप रे कहीं करना, आप तो रोटी जीवन थारे कहीं करना, कौन है कहीं करना है। बोले नहीं थे कोई गलत काम कियो है, जहां से भी लेके आया उसको वहीं पर उस सती को पहुंचा दे, हाँ गलत कार्य मत कर, गलत रास्ते मत जा। मलियागिरी जो बिणजारो है वो अपने बाप ने डांट डपट कर बोले थारे कहीं करना है, आंधा हो बूढ़ा हो काले मरण वाला हो, आपने पंचायती करने की जरूरत नहीं, आप तो शांति जीमो। तब वो अंधो बाप बोलियो कि हे बिणजारा बहुत बरसों पहला आज तो तू बाड़द लेकर आवे, मैं जवान तो तब मैं बाड़द लेकर आतो, और एक समय मैं लोयाना गढ़ किले में गयो हो, राजा और रानी रे हाथ रोटी जिमी, आज बहुत बरसों बाद में उन्हीं रोटी रो मने स्वाद आ रहे हो, तू कोई रानी ने ले रहा है, गलत कार्य मत कर, गलत मार्ग पर मत चल। बिणजारा लागो कि रोड़ो पड़ेला तो रातों रात अपने तांडे ने उठायो। रानी मलियागिरी ने 12 साल तक अपनी बोरी में एक गुणती में बंद रखी एक बोरी में, लेकिन मलियागिरी अपने सत्य ने नहीं त्यागो। राजा चंदन बिछड़ गया, लेकिन देखिए सत्य क्या होता है। तो एक छोटा सा भजन है, सत्या सत्य मत छोड़ जो, सत्य छोड़ा पत जा, सत्री बाधी लक्ष्मी वा फिर मिले ना आ। तो अरे गुणती खोले नी पारे काट दे बिन जारा, मारे राम भजवारी बेड़ा जा रे, हे
नारे आवे रे हरे प्रभात रो टेम एक दिन मिलिया गरी बोरी में अंदर बोरी में गुणती झीणी झीणी रोवे के बंजारा गुणती खोले ने बारे काट दे मारे राम भजवारी बेला जाए मने भगवान रो जो माणा रो टेम है वो टेम प्रभात रो जा रहे है। बिंजारो बोले कि गुणती खोलू तो धोखो उपजे क्योंकि लारे आवे है थारे बार आज मैं थने गुणती हूँ बार दिखाड़ो कोई तने देख ले कोई पहचान ले तो लोहना गढ़ी रानी है तो मने मार और तने तो ले जावे और मने जेल में और डाले ऐसो काम ना करो। मलियागिरी बोली कि अब तो जो बार करनिया है तो बारह बारह साल पहला बिछड़िया अब वे कटे है बारी कई बात करे। अब देखिए बिंजारा रे मन में कपट है कई बोलियो अरे हंसने मुड़के ने मुड़े ने मुड़के ने मुड़े बोली जे मेला कर इवड़े पेरा वो नव सरहार राजी राजी बात करे तो तने एक थंबियो मेल चुना दे दू। हंसने मुड़के ने मुंडे बोल मिलागर इबड़े पेराऊ नवसर हार और ऊंची बैठाऊ बादल मेल में चुड़लो दिराऊ हस्ती दांतरो हाथी रे दांतरो चुड़ो पेर ले और तू थारा जो गया वे आना नहीं है तू मारो घर कर दे। अब जब बिंजारे इतनी गलत बात करी तो मलियागिरी जवाब कहीं दियो सुनना बहुत जोरदार बात अरे थारे जेड़ा रे हाली पारता बिंजारा थारे जेड़ा रे हाली पारता बिंजारा नौकरता घोड़ लियो सोनो में तो तेरी दिन जारा ये मरती मोती ना भारो सोना के पालना में ही दी दिन जारा ये दासिया रे दौड़ती रे अरे जेड़ा तो मारे हाली नौकर चाकर था जो घोड़ो री लीज साफ करता थारे जेड़ा हाली बाड़दा नौकता घोड़लियों वाली लाज सिर सिर सोनो में तो पैरती मरती मोतीड़ा भारो जाले बेटा मरती मोतीड़ा भारो भार सोना रे पालना में हिंड तीर दासियां ढोलती वाव वो तो समय रो फेर आयो है आज समय थारो अच्छो है समय मारो बुरो हो गयो क्योंकि समय
कदे कदे गाटरा सू सिंगार जावे कदे कदे गाटरा सू कदे कदे गाटरा सू कदे कदे गाटरा सू सिंगार जावे समय को भरोसो कोनी समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जा समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जा तो जरा महल था वे तो रोड पर आ गया और जो झोपड़ियों में रहता हमारे आगे फॉर्च्यूनर खड़ी हो गई तो समय है बदलता है बिनता है मिटता है समय बनाता समय डिगाता बस समय के साथ चलना सीखे ये जीवन की कला क्योंकि रामचंद्र राजा का बस आप रामचंद्र राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे रामचंद्र राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे दशरथ सोचे राजा बंसी में जंगल में जावे दशरथ बूढ़ा पाए बोले अब तुम्हारे राम ने राजपाट सौंप दो और मैं आराम करूंगा लेकिन क्या हुआ दशरथ सोचे राजा बंसी में जंगल में जावे और जंगल में भी नारी नारी फलता डोले समय को भरोसो समय को भरोसो कोनी कद पलटी शेर शेर सोनो मैं तो पैरती मरती मोतीड़ा भारो भार अब बिंजारा ने थोड़ी सी दोरी लागी आवाज बोले ए मिल गरी तो कुछ भी देला कुछ भी थी लेकिन आज मारी कैद में यदि रोटी चाहिए तो मारा गुणगान गा बिनजारो कई बोलियो अब तो बिनजारा री बोली छोड़ दे मेला दर अब तो बिनजारा री बोली छोड़ दे मेला दर एक आमद के जवाब दियो अरे रतिय की झोलो बाजी बिनजारा हो गई में तो घर घर री पिणिया हो गई में तो घर घर री पिणिया सायर नील सदी था मलियागिरी अपने सत्य पर अडिग रही बिनजारो लेकर अपनो जो कबीलो थो जो बालक थी वो बालक देश देश में घूमते रहे हो एक दिन बिनजारो उन देश में फूगो किन देश में कि जठे राजा चंदन ने नदी बहाकर ले गई और बहुत दूर नदी के किनारे पर राजा चंदन ने ले जाकर किनारे पर बेहोश पटक दिया राजा चंदन जीवता और उन नगरी रो जो राजा है राजा रे औलाद नहीं तो राजा उन नगरी में घूमतो 12 महीना पहला घूमतो एक पेड़ रे नीचे दो टावरों ने देखा वो राजा वे टावरों ने अपने घर लिया है तो 12 साल बीत गया वे छोरा 12 साल का हो गया उन्हीं देश में बिनजारो पूगो उन्हीं देश में राजा चंदन लकड़ियों
जंगल में लकड़ियों भेड़ी करे, गांव में बेचे अपनों गुजारो चलावे। उन्हीं जी देश में दे 12 महीनों रा टावर जो राजा रे औलाद नी राजा री मृत्यु हो गई। लेकिन मैं दोनों राजकुमार घोड़े पर बैठा बैठा एक दिन रात रा गस्त करे, प्रभात रो टेम बोरी में मलियागिरी ने रोकती देखी। तो भिंजारे ने पूछो कि भी बोरी में आत्म लुगाई रोवे कौन है? भिंजारो क्या कोई नहीं है, तुम्हारी लुगाई है, नाटक घना करे वास्ते बोरी में बंद करी। राजकुमार बोले कि राजा मने हुकुम दियो है कि कोई भी नगरी में अन्याय होवे, कोई भी रोत होवे तो बिने रावण में ले आइयो, तने इन बात रो न्याय रावण में करनो पड़ेगा, तू किरी लुगाई ने ले बैठो है? बोले हमारी खुद ही लुगाई है। गुणती खोली, मलियागिरी ने बाहर निकाली, बोले आप कौन हो? बोले कि मैं ये मारो पति नहीं है, लेकिन 12 साल हुआ मैंने लेकर घूम रहे हो। तीनों ने पकड़ कर दे गए राजा। अब देखिए देखिए क्या हुआ। जिस समय उस नगरी के राजा की मृत्यु हुई तो जो राजपुरोहित था वे तय करियो कि भी हाथी रे सूंड में माड़ा पहराओ और जो हाथी जिन्हें सूंड में माड़ा एक स्वयंवर कराओ, जिन्हें सूंड माड़ा जो है जिन्हें हाथी गला में गालेला वो अठेरो राजा। राजा चंदन भी लकड़ियों भारो उपाड़ियों लेन में खड़ा हो गया। पूछो कि भाई कहीं है? बोले राजा है नहीं, तो पुरोहित जो लोग है ब्राह्मण लोग है वे तय करियो कि भी हाथी सोन माला जिन्हें गाली हो राजा। राजा भी लेन में खड़ा हो गया। राजा चंदन बोली तारो भारो नेक, हाथी घूमतो दे माला राजा। और वे राजकुमार जब राजा चंदन जब रतक पर है राजकुमार दोनों ने ले गया। बोले न्याय करो राजा, बिंजारो के वे हमारी लुगाई है, रानी मलियागिरी के तो मेरी पत्नी नहीं हूं। राजकुमार बोले कि राजा साहब सुबह सुबह आरोती में ले आया हूं, रानी मलियागिरी ने घूंघट निकाली हो बा ऊपर नहीं देख रही अपनी मान मर्यादा में। लेकिन जैसे ही राजा चंदन पूछो कि भई है आप कौन हो, ये देवी कौन हो, मलियागिरी जैसे ही घूंघट उठाकर सामने देखो तो राजा चंदन सामने खड़ा है। रानी राजा चंदन जैसे सामने देखो तो मलियागिरी है। 12 साल बहु बीत गया, लेकिन 6 महीनों रो टावर 12 महीनों रो होकर मिल गया, पति पत्नी रो जोड़ो मिल गयो। राजा चंदन और सती मलियागिरी अग्नि परीक्षा दी, इसलिए वापस भगवान ने सतिया सत मत छोड़ जो सत छोड़िया पत जाए, और सत्री बांधी लक्ष्मी वह फिर मिले लिया है। तो ये गड़ जाए फुलड़ा ने गारे माथे सार यही है। जड़ जाई फुलड़ा ने जो पत्थर जिन जिन नामों के लग गए। श्याम जी बैठे थे सर, तो इस भवन में जिन जिन लोगों के पत्थर लिखे गए वो अमर है, और आगे जो लिखा है वो भी अमर है। और जिनका नाम हमारे परदादा नहीं है आज दुनिया में, लेकिन हमारे दादाजी ने उनका नाम रोशन कर दिया, उनका नाम लिखवा दिया, और वो जब तक नाम लिखा रहेगा तब तक वो लिखा ही रहेगा। उससे पहले इधर एक चाऊ बनी थी, गोपाराम जी का नाम लिया था आपने, तो हम छोटे थे तो उन्होंने जो बनाया था वो नाम उनका अमर हो गया उधर। तो बस जो लिखवाए उनका नाम अमर है, बस यही यही मनुष्य धर्म है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमने जो किया है वो अमर हो गया। और गड़ जाई फुलडाने रह जाए, गड़ जाई फुलडाने रह जाए, गड़ जाई फुलडाने रह जाए, बाजना।
Thank you.